आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। और खबरों के विस्तार में जाएंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मेधावियों को मिले पदक और राज्यपाल राम नाईक के हाथों पदक पाकर झूम उठे मेधावी। कंप्यूटर सेंटर का हुआ शुभारंभ। कन्नौज में नाबालिग दलित लड़की का संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटका मिला शव। परिजनों ने रेप के बाद हत्या की जताई आशंका और मृतका ने छेड़छाड़ से परेशान होकर छोड़ दी थी पढ़ाई। फतेहपुर में महिला की प्रताड़ना के विरोध में उतरा गुलाबी गैंग कोतवाली और एसडीएम कार्यालय का किया घेराव। कार्रवाई की उठाई मांग। सूबे में जानलेवा बुखार का कहर जारी। अलग अलग जिलों में 700 से अधिक मरीजों की मौत से मचा कोहराम। अस्पतालों में मरीजों की भरमार। और खबरों की ओर बढ़े उससे पहले आपको बड़ी खबर झांसी से बताते हैं, जहां पर पत्रकारों को पुलिस ने लाठियों से जमकर पीटा है। बड़ी खबर झांसी से। इस वक्त की बड़ी खबर झांसी से, पत्रकार को पुलिस ने लाठियों से पीटा। ये पूरी खबर आपको बता दें झांसी से, जहां राज्यपाल के कार्यक्रम को कवर करके पत्रकार लौट रहा था और उसे पुलिस ने जमकर लाठियों से पीटा है। बड़ी खबर झांसी से, पुलिस के खिलाफ पत्रकारों ने खोला मोर्चा। नवाबाद थाने का किया घेराव और पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य भी पत्रकारों के समर्थन में उतरे। झांसी से बड़ी खबर, जहां पत्रकारों को पुलिस ने जमकर पीटा है और राज्यपाल के कार्यक्रम को पत्रकार कवर करके लौट रहा था उस वक्त की यह घटना है और पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य भी पत्रकारों के समर्थन में खड़े हैं। बड़ी खबर झांसी से, पत्रकार को पुलिस ने लाठियों से पीटा और राज्यपाल के कार्यक्रम को कवर करके लौट रहा था पत्रकार और पुलिस के खिलाफ पत्रकारों ने मोर्चा खोला। इस वक्त की बड़ी खबर झांसी से, नवाबाद थाने का घेराव किया है और आपको बता दें कि पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य भी पत्रकारों के समर्थन में उनके साथ खड़े हैं। और इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलदीप अवस्थी जुड़ चुके हैं झांसी से। कुलदीप, पूछना चाहूंगी कि आखिर क्या कुछ वजह रही, आखिर क्यों पुलिस ने पत्रकारों पर हमला किया? देखिए, ये राज्यपाल झांसी आज से उनका आज प्रोग्राम झांसी में था और प्रोग्राम के बाद में उनकी पुलिस लौट रही थी, सड़क बंद थी। इस दरमियान जो हमारे पत्रकार साथी है विजय कुशवाहा, ये वहां से निकल रहे थे तो इनको जब रोका गया तो रुक गए। उसके बाद कारण उनके ऊपर एसआई के द्वारा जो है तफ्तीश की गई और उन पर अभद्रता की गई। अभद्रता करने के बाद की जानकारी तो इस बात के बाद में जो है वहां पर पत्थरों ने हंगामा शुरू कर दिया और बाद में अभी हाल में जो है पुलिस के खिलाफ कार्य मामला संज्ञान लिया, जिसके बाद में संबंधित दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया है। जी, पूछना चाहूंगी कुलदीप की खबर झांसी से, पत्रकार को पुलिस ने लाठियों से पीटा और राज्यपाल के कार्यक्रम को कवर करके लौट रहा था पत्रकार और पुलिस के खिलाफ पत्रकारों ने मोर्चा खोला। नवाबाद थाने का घेराव किया है और पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य भी पत्रकारों के समर्थन में उतरे। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने संत नगर लेबर अड्डे पर श्रम पंजीयन शिविर का उद्घाटन किया है। उन्होंने उपस्थित श्रमिकों को संबोधित करते हुए कहा कि पहले श्रमिक चक्कर लगाते थे, अब श्रम विभाग के अधिकारी श्रमिकों के पास जाकर पंजीकरण करते हैं और इसका परिणाम है कि प्रदेश में 45 लाख श्रमिकों का पंजीयन हो चुका है और पंजीयन के लिए शुल्क 100 रुपये से घटाकर 20 रुपये कर दिया गया है और नवीनीकरण भी त्रैवार्षिक कर दिया गया है और पंजीयन में दलालों की भूमिका खत्म कर दी गई है। पंजीयन के पश्चात ही श्रमिक को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित 17 विभिन्न योजनाओं का लाभ पंजीकृत श्रमिकों को मिलता है और इस अवसर पर एमएलए भगवती सागर, बीजेपी अध्यक्ष श्री सुरेंद्र मैथानी और अनीता गुप्ता सहित अन्य महानुभाव उपस्थित रहे। योजनाओं के अंतर्गत 2,78,33,000 से अधिक धन की योजनाओं का आज प्रमाण पत्र संतों को लाभार्थियों को दिया गया
जिसमें लगभग 1200 से ज़्यादा श्रमिक लाभार्थी इस लाभ को पाने में कामयाब हुए हैं। श्रमिक अभी तक कार्यालय और अधिकारियों का जो चक्कर लगाता था उस पर पूर्णतः विराम लगे। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको कन्नौज से बता दें, जहां पर नाबालिग दलित लड़की के साथ रेप के बाद हत्या की आशंका जताई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कन्नौज से, जहां पर नाबालिग दलित लड़की से रेप के बाद हत्या की आशंका और परिजनों का आरोप, अकेला पाकर किया रेप और फिर फांसी पर लटकाया और छेड़छाड़ से परेशान होकर लड़की ने छोड़ दी थी पढ़ाई और आरोपी कई दिनों से लड़की से कर रहा था छेड़छाड़। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कन्नौज से, सदर कोतवाली के बरखाना मोहल्ला की ये पूरी घटना है। बड़ी खबर कन्नौज से, नाबालिग दलित लड़की से रेप के बाद हत्या की आशंका जताई गई है। विवेक दीक्षित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं कन्नौज से। विवेक, पूछना चाहूंगी आखिर क्या वजह थी, लड़की ने आत्महत्या की है या फिर परिजनों ने जो बताया कि उन्हें उसे रेप के बाद फांसी पर लटकाया गया है, क्या कुछ आखिर सामने आ रहा है इस पूरे मामले में? बिल्कुल बताना चाहेंगे, मेरी परिजनों से जैसी बात हुई है, परिजनों का सीधा कहना था कि ये लड़का जो पड़ोसी लड़का था, दूसरी के हम लड़का है, इसने आए दिन छेड़खानी करके परेशान करता, जैसे मेरी पीड़िता गलत जिसकी हुई है उससे भाई से मेरी बात हुई, उसने सीधा कहना था कि मेरी बहन को आए दिन परेशान करता था, छेड़छाड़ करता रहता था, जिसके बाद इतना आकर उसने पढ़ाई भी छोड़ी थी कुछ महीने पहले, इसने कक्षा 10 की छात्रा थी, कुछ महीने पहले इसने पढ़ाई भी छोड़ दी थी, और इसे तंग आकर आज जब फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, तो जब सामने आया कि फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, तो परिजन कहीं बाहर गए हुए थे, जब परिजनों ने सही से तहकीकात की तो जानकारी मिली कि कोई घर में नहीं था, घर में अकेली थी, और जब पीड़ित ढूंढे गए तो फिर जमीन में मिल रहे थे, छोड़ रहे थे, तो बताया गया कि यहाँ पर परिजन एक भी घर में नहीं था, लड़की अकेली घर में थी, अकेली घर में पाकर दफन के रंग बताए, उसने पहले रेप किया उसके बाद हत्या कर दी कहीं ना कहीं लड़की की, ये सामने नजर आया जी। आपको बताएं यहाँ कन्नौज जिले में लाइन आर्डर की जो यूपी सरकार योगी सरकार लाइन आर्डर की बात करते हैं, वहां पर योगी सरकार द्वारा अब कन्नौज जिले की आदर सारी पार होती जा रही है, कन्नौज जिले में लूट हटाए की हत्या रेप के बाद हत्या आए दिन 5-6 दिन से लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही है जी। पूछना चाहूंगी विवेक की, बताया जा रहा है कि परिजनों ने इस पूरे मामले पर हत्या की आशंका जताई है, उनका कहना है कि पहले रेप किया गया है उसके बाद उसे फांसी पर लटकाया गया है, तो क्या इस पूरे मामले पर उन्होंने अभी तक कोई पुलिस में तहरीर दी है, क्या मुकदमा दर्ज करवाया गया? बिल्कुल, जब दबंग के हम के जो भी पड़ोसी दबंग के हम का लोग था, उसके डर से उसके भय से कहीं ना कहीं पढ़ाई में जब छेड़छाड़ कर रहा था तब उसकी भी शिकायत नहीं कर पा रहे थे, इसी के चलते उसकी भी शिकायत नहीं कर पा रहे थे, लेकिन दलित परिवार है और कहीं ना कहीं हिम्मत जुटाकर रोड पर सब रखा, इसके बाद कहीं ना कहीं न्याय की गुहार लगाई है, अभी तहरीर देकर मुकदमा दर्ज हुआ है, अब जाकर कहीं ना कहीं पीड़ित को न्याय मिलेगा। आपको बताया एक बार फिर, यहाँ कन्नौज में यहाँ देखा जा रहा बराबर लाइन आर्डर, इतना सिस्टम खराब चल रहा है, कन्नौज में कल एक डेड बॉडी मिली, इसके बाद आज हत्या करके सब लटका दिया गया, 2 दिन पहले एक हत्या खुलेआम हत्या कर दी गई थी, और चोरी की घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं लाइन आर्डर बिल्कुल खराब दौर पर चल रहा है, जबकि योगी सरकार बिल्कुल लाइन आर्डर का काम बताता है जी। शुक्रिया आपका विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए बड़ी खबर कन्नौज से आपको बता दें, जहां नाबालिग दलित लड़की से रेप के बाद हत्या की परिजनों ने आशंका जताई है। परिजनों का आरोप है कि अकेला पाकर पहले रेप किया और फिर उसके बाद फांसी पर लटकाया। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, अतिथि देवो भव, इस वाक्य का प्रयोग हम आने वाले अतिथियों के लिए करते हैं और अतिथि को भगवान की निगाह से देखते हैं, मगर कानपुर के यशोदा नगर का एक इलाका ऐसा भी है जहां लोगों ने अपने घरों के बाहर पोस्टर चस्पा कर अपने घर आने वाले रिश्तेदारों और मेहमानों का आना वर्जित कर दिया है। जी हाँ, ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना की महाराजपुर विधानसभा में आता है और अकबरपुर लोकसभा के अंतर्गत आता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई बार स्थानीय पार्षद, विधायक, सांसद और कानपुर नगर निगम को अपनी समस्या से रूबरू करवाया, मगर कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और जिसके बाद नाराज लोगों ने अपना विरोध प्रकट करने का ये नया तरीका अख्तियार किया है और कहा है कि 2019 में होने वाले चुनाव में वो भी इसका जवाब देंगे।
भराव बना रहता है, न नालियाँ हैं और न जल भराव निकालने का कोई साधन है। इसमें हम जा रहे थे दुकान तक, पास में ही दुकान है, मैं वहाँ जा रहा था कुछ सामान लेने के लिए, तो बीच सड़क में तो पानी भरा है, किनारे से निकलने का मैंने प्रयास किया तो उसमें फिसल करके हम वहाँ गिर गए, जिससे हमारा हाथ ये चोट खा गया और ये फ्रैक्चर हो गया। पोस्टर इसलिए लगा रखे हैं कि हमने सांसद और ये विधायक और मंत्री सभी से आग्रह किया कि यहाँ देखें और ये इसकी समस्या का निदान करें। हमें अब बेटे के साथ 29 अप्रैल को जा रहे थे, वहाँ गिर गए, 4 महीने से पड़े हैं, ये फ्रैक्चर हो गया था पीछे, तो इसलिए हम लोग इसलिए पोस्टर लगवाए। समस्या क्या, वही भैया पानी सड़क ना होना, सब यही समस्या है। अरे बहुत सालों से समस्या, अब हमें तो याद नहीं, कई सालों से हमें याद है कि ऐसे ही रहा। कानपुर के हैलेट अस्पताल में दवा आपूर्ति में फेल यूरो लाइफ दवा कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी पूरी हो गई है। दरअसल सूत्रों की माने तो किसी भी कंपनी को दवा सप्लाई करने के लिए 2 महीने का समय दिया जाता है और 2 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी सप्लाई नहीं हुई और अस्पताल में भी दवाइयां महज 15 से 20 दिन की बची हुई है, वहीं अस्पताल की तरफ से दूसरी L2 कंपनी के रेट मांगे गए हैं ताकि दवा पूर्ति की जा सके और जिस पर भी अभी तक कोई खास रिजल्ट नहीं आया है। आपको बता दें कि 3 फ्लूड एजिथ्रोमाइसिन और पेंटाप्रोजोल, रेमिप्राजोल, ओफ्लॉक्स, ओजिड समेत 19 दवाइयों की सप्लाई ठप है। हमीरपुर सरीला तहसील के स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए शैलेश्वर इंटर कॉलेज के बच्चों ने स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली है और रैली को सरीला चेयरमैन रानी शैफुली कुंवर ने हरी झंडी दिखाई है और ग्रामवासियों से शौचालय निर्माण और गांव को स्वच्छ रखने का आह्वान किया गया है और रैली में बच्चों ने पोस्टर और बैनर के माध्यम से गाँव में जागरूकता की अलख जगाई है और कहा है कि साफ सफाई से बीमारियाँ दूर रहती हैं। हमने बच्चों के ऊपर बहुत अटेंशन दिया है क्योंकि ये बच्चे लोग बहुत इम्पोर्टेंट है आगे के लिए और ये अपने माँ बाप का दिमाग बदल सकते हैं, तो हमने ज़्यादा अटेंशन बच्चों के ऊपर किया है और बहुत सारे हमने प्रोग्राम्स भी चलाए हैं, जैसे आज प्रोग्राम हो रहा है, पेंटिंग का प्रोग्राम हो रहा है, इन सारे बच्चों को लेके हमने घास वगैरह सब सफाई करवाई है, तो यहाँ समझ लीजिए 60% बदलाव आया है जब से मोदी जी ने स्वच्छ भारत। फतेहपुर जनपद के कोतवाली बिंदकी क्षेत्र के कंचनपुर गांव में महिला को 5वीं बार भी बेटी होने पर पति और सास सहित सभी ससुराली महिला को प्रताड़ित कर रहे हैं और जिसके विरोध में गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की कमांडर हेमलता पटेल के नेतृत्व में आधा सैकड़ा गैंग की महिलाओं ने कोतवाली तथा उप जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया है और महिला का उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए जेम डी न्यूज। के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नोफार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। पिक्चर देखने चलोगी? ना बाबा, सर और बदन में दर्द है। ये लो अजूबी। अजूबी दर्द भगाए, आराम पहुंचाए। अजूबी, कमाल की अजूबी। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नोफार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप।
मम्मा बैग बहुत हैवी है। दूध अंडा दाल सब देती हूँ पर ताकत फिर भी नहीं। सिर्फ ये सब काफी नहीं है, उसे रोज दे धाकड़ प्रोटीन। वो किस में है? हथनी के दूध में, शुतुरमुर्ग के अंडे में। किसकी सुनूं? न्यूट्रेला सोया चंक्स की सुन। इसमें है 52% धाकड़ प्रोटीन जो 15 कटोरी दाल या 16 अंडे या 17 दूध के ग्लास के बराबर है। हेल्दी रहना सिंपल है। वो कुछ भी करें आपकी परेशानी का होगा हल। बड़ा से बड़ा अपराध करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज और उन्हें सजा न दी जाए। देखते रहिए पब्लिक फोरम सिर्फ जेएमडी न्यूज पर डॉक्टर रमेश वर्मा के साथ। गॉसिप्स के गलियारों का हाल, फिल्मी सितारों की हर वो बात, पर्दे के पीछे की कहानी, हम लाएंगे सिनेमा की जुबानी सिर्फ खबर फिल्मी पर। देखिए शाम 4:30 सिर्फ जेएमडी न्यूज पर। हिस्ट्री में पहली बार डेन का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डेन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉनस्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक, मींस फुल एंटरटेनमेंट, कुछ भी कहीं भी। जब आपके मोबाइल में होगा डेन टीवी प्लस फिर तो ऐश ही ऐश है बस। आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज आम जन की आवाज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मुहर्रम की 9 तारीख को शहर में जगह जगह पर ताजिए रखे गए और साथ ही सभी को तबर्रुक व शरबत बांटा गया और लोग ताजियों की जियारत करने दूर दूर से आते हैं और साथ ही अलम व छोटे ताजिए सहित अन्य चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। और कानपुर के नई सड़क पर रखा जाने वाला ताजिया मोहल्ला बच्चा कमेटी की तरफ से रखा जाता है और पिछले 70 सालों से यहाँ ताजिया रखा जा रहा है। भारी संख्या में शाम के समय अकीदतमंद एकत्रित होकर मन्नते मुरादे मानते हैं और कमेटी के सदस्य नफीस आलम ने बताया है कि काफी पुराने समय से यहाँ ताजिया रखे जाते हैं और हर अकीदतमंद की सारी मुरादे पूरी होती हैं और इस दौरान बाजारों में भी छोटे छोटे ताजिए अलम व मुहर्रम के लिए उपयोग की जाने वाली तमाम वस्तुएं बिकती नजर आई हैं। जो भी मन्नत मांगने आते हैं उनकी मुरादें पूरी होती हैं और यहाँ हर साल रखी जाती है, कम से कम नहीं तो 50 साल से ऊपर होगा रखते हुए हम लोग को। और इसमें बड़े अकीदतमंद लोग आते हैं। 9 तारीख आज है, आज के दिन बड़ा मजमा और रस रहेगा रात में और सबकी मुरादें पूरी होती है। लंगर का आयोजन 10 तारीख को किया जाता है, फिर एक दिन बाद के लिए 9 तारीख के बाद फिर 10 तारीख को बड़ी करबला जाते हैं हम लोग लेके इसको और फिर वही और छोटी करबला में इसको जाके वहाँ दे देते इसको। खास ये है कि मुरादें उनकी पूरी होती है अपने आप में और अपने आके यहाँ पे जो मुरादे मांगते हैं पूरी कलावा चौक आलम चौकते हैं, पंजे चौकते हैं, चांद तारे हैं, ये सब के सब चौकते हैं। कानपुर के माल रोड पर चल रहे हुसैनी लंगर को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और इस लंगर के जरिए हिंदू मुस्लिम एकता की झलक भी साफ तौर पर नजर आई है। और लंगर के समापन के मौके पर संचालक व वरिष्ठ पत्रकार हैदर नकवी ने बताया कि इसे सारी कम्युनिटी का अच्छा रिस्पांस मिला है और अब हर साल इसे आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन की शहादत मानवता को बचाने की सबसे बड़ी मुहिम थी और इमाम हुसैन ने सबको जोड़ने का काम किया था और उसी मुहिम में हम भी भाग लेते हुए लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसको सारी कम्युनिटीज़ का रिस्पांस मिला है वो बहुत ओवरवेलमिंग है, हमारा बहुत दिल बढ़ाने वाला है
और हम सबकी अब यही है कि ये हर साल का जो आयोजन है और बड़े पैमाने पे करें ताकि और लोग जुड़ें इससे। इसका मकसद ही ये रहा है कि करबला की जो ट्रेजेडी रही है कि प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के जो नवासे थे इमाम हुसैन, उनको और उनके 72 साथियों को जिसमें 12 बच्चे थे, उनको 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद किया गया था करबला इराक में आज से 1400 साल पहले, और करने वाले भी वही थे जो मुसलमान अपने को कहते थे। और अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कन्नौज जिले में रिटायर्ड पुलिसकर्मी से बैंक कर्मी बनकर ठगी करने वाले शख्स को पुलिस ने महिला साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बता दें कि पुलिस ने ठग के पास से ठगी की रकम भी बरामद कर ली है। बताया जा रहा है कि ये नेटवर्क लाल इतना शातिर है कि इसने देश के अधिकांश राज्यों में लोगों के साथ करोड़ों की ठगी की है। 1997 से 2002 तक इसके ऊपर 420 के तकरीबन 30 से ज्यादा मुकदमे हैं। और बता दें कि भोपाल का रहने वाला ठग ब्रज कुमार बागवानी आलिशान कोठी में रहता है, और इस ने बीती 6 सितंबर को पुलिस विभाग से रिटायर्ड पुलिसकर्मी रमेश चंद्र सिंह से एसबीआई बैंक के अंदर बैंक कर्मी बनकर 7,30,000 की ठगी कर फरार हो गया था। और इसी बीच बड़ी खबर आपको कानपुर से बता दें, जहां पर खाद्य विभाग ने नमकीन फैक्ट्री में छापेमारी की है। बड़ी खबर कानपुर से, खाद्य विभाग ने की नमकीन फैक्ट्री में छापेमारी। नमकीन के कई नमूने जांच के लिए भेजे और मानकों को ताक पर रखकर हो रहा था उत्पादन, और फैक्ट्री का लाइसेंस हो चुका था खत्म। दादानगर स्थित सीमा नमकीन फैक्ट्री में छापेमारी की गई है। बड़ी खबर कानपुर से, खाद्य विभाग ने नमकीन फैक्ट्री में की छापेमारी और नमकीन के कई नमूने जांच के लिए भेजे हैं। आपको बता दें कि मानकों को ताक पर रखकर नमकीन का उत्पादन किया जा रहा था और फैक्ट्री का लाइसेंस भी रद्द हो चुका। बड़ी खबर कानपुर से, और दादानगर स्थित सीमा नमकीन फैक्ट्री में छापेमारी की है। खाद्य विभाग ने नमकीन फैक्ट्री में छापेमारी की और नमकीन के कई नमूने जांच के लिए भेजे हैं। दीपक मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर है कानपुर से। दीपक, पूछना चाहूंगी क्या कुछ बातें जांच में सामने आई, अभी तक जो छापेमारी हुई क्या कुछ कमियां फैक्ट्री के अंदर देखने को मिली खाद्य विभाग को? जी बिल्कुल, आपको बता दें पूरा मामला जो है वो दादानगर इंडस्ट्रियल एरिया का है, जहां पर खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की है। और आपको बता दूं खाद्य विभाग की टीम जो है वो इस वक्त लगातार छापेमारी कर रही है और जितनी भी कमियां पाई जा रही है उन पर कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में आज सीमा नामक नमकीन के फैक्ट्री में छापेमारी की गई है। खाद्य विभाग की टीम द्वारा जांच के लिए नमकीन के नमूने भी भेजे गए और उनको जांच के लिए भेजा गया है। फिलहाल आपको बता दूं ये जो सीमा नमकीन की फैक्ट्री थी, इसका जो लाइसेंस है वो भी एक्सपायर हो चुका था 2016 में। तो कहीं ना कहीं जो है अगर बात की जाए तो बिना लाइसेंस के फैक्ट्री चल रही थी और धड़ल्ले से चल रही थी। जी पूछना चाहूंगी, जैसा कि आपने बताया कि 2016 में ही लाइसेंस खत्म हो गया था, तो आखिर उसे रिन्यू क्यों नहीं करवाया गया, क्या कुछ वजह रही, क्या किसी विभाग की मिलीभगत भी इस पूरे मामले में सामने आई है? जी आपको बता दो कि जिस तरीके से 2016 में इसका लाइसेंस फैक्ट्री का एक्सपायर हो चुका था, उसके बाद से फैक्ट्री मालिक जो है उसने इसको रिन्यू नहीं कराया था, तो ये फैक्ट्री जो है वो अवैध रूप से चल रही थी और खाद्य विभाग की टीम जो है वो अवैध फैक्ट्री के रूप में ही इसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दूं जो फैक्ट्री है उस फैक्ट्री में लगातार काम जो चल रहा था, तो नमकीन जो है उसकी पैकिंग जमीन पर रखकर कर रही थी, तो कहीं ना कहीं ये मानक के विपरीत बिल्कुल कार्य चल रहा था। तो खाद्य विभाग की टीम जो है इस पर भी कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें जो फैक्ट्री का मालिक है वो सुभाष नाम बताया जा रहा है, और वो जो है बिल्कुल धड़ल्ले से इस फैक्ट्री को चला रहा था बिना किसी खौफ के और बिना किसी भय के। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक, और इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए बड़ी खबर आपको बता दें कानपुर से, खाद्य विभाग ने नमकीन फैक्ट्री में छापेमारी की, नमकीन के कई नमूने जांच के लिए भेजे हैं, और आपको बता दें कि दादानगर स्थित सीमा नमकीन फैक्ट्री में छापेमारी की गई है, मानकों को ताक पर रखकर नमकीन का उत्पादन किया जा रहा था।
और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यूपी राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर कंचन जायसवाल ने जालौन जिले का दौरा किया है, वहीं अधिकारियों के साथ बैठक की है और साथ ही साथ पीड़ित महिलाओं की बात सुनकर पुलिस को जल्द लंबित विवेचनाओं को निपटाने की बात कही है। और जिले में एक दिवसीय दौरे पर आई डॉक्टर कंचन जायसवाल ने मुख्यालय के निरीक्षण भवन पहुंची, जहां सबसे पहले बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की है और जिले में महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार या उनसे जुड़े मुद्दों की हकीकत को समझा है। डॉक्टर कंचन जायसवाल से जिले की कई महिलाओं ने आकर अपनी आपबीती भी सुनाई है और जिसमें माननीय सदस्य ने पुलिस के व्यवहार से महिलाओं को न्याय मिलने में हो रही देरी पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी को अवगत करवाया है। पहली बात, एक लड़की मेरे पास जो आई जो रो रही थी, जिसकी शादी को 5 वर्ष हो गए थे, उसकी गोद में 3 वर्ष की एक बच्ची थी और उसने कहा कि मेरा पति मुझे पीटता है और उसके बाद वो ये कह रही कि मैं अपने ससुराल वालों के पास ही जाके रहना चाहती हूँ। तो मैंने उससे कहा कि आप जाएंगे तो फिर वो आपको पीटेंगे, तो अब आप पिटने का नहीं पीटने की बात करिए। मैं आपको ये इंदा रिकॉर्ड में आपको बात कर रही हूँ, महिला अगर अपने आप को कमजोर समझती रहेगी तो वो निश्चित पिटती रहेगी। पुलिस बाद में आएगी, कानून बाद में लगेगा, लेकिन पहले हमें अपने अंदर से शक्तिशाली और सशक्त होना पड़ेगा। अगर कहीं कोई हमारे ऊपर वो करता है तो उसका जवाब हमें ही देना। कानपुर के नवाबगंज के राजा के पंडाल में महाआरती का आयोजन किया गया और जिसके बाद कॉमेडियन एहसान कुरैशी व सुनील पाल ने शिरकत की और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आपको बता दें कि इस मौके पर उन्होंने कॉमेडी कर लोगों को खूब गुदगुदाया और सभी अतिथियों का कलावा बांध टीका लगाकर स्वागत और सम्मानित भी किया। और संयोजक संजय उपाध्याय ने बताया कि महाआरती के बाद कलाकारों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी और इस मौके पर मुख्य अतिथि विधायक पवन गुप्ता, उन्नाव डीजीपी ट्रेनिंग टेक्निकल सुभाष चंद्र शर्मा व डीजीपी महेंद्र मोहन सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। दो शब्द है मेरे पास, मैं कहूंगा लेकिन उसके बाद आपको एक शब्द कहना पड़ेगा और वो क्या है आपको पता ही है। दो शब्द है, गणपति बाप्पा। स्वरूप नगर से ये प्रतिष्ठित दे रही है जो और फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज आमजन की आवाज। नमस्कार। आप देख रहे हैं जी।